दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आ चुका है और ये डेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि मंडे के हिसाब से ही मार्केट पे रिएक्शन होना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो मैंने पिछले मंडे से कंटिन्यू बताया था आपको कि इस पर्टिकुलर डेटा पे सबकी नजर होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ना तो देखिएगा पीएमआई सर्विसेज का डेटा आया, ना तो ग्लोबल सर्विसेज का अच्छा डेटा आया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये डेटा भी अच्छा नहीं आया। तो इस पर्टिकुलर कारण से अगर आप देखेंगे कि इस डेटा के आने के बाद काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई है, फेड के लिए भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि आपको पता है कि फेड के लिए मेन टेंशन की बात यह है कि यहां पे ये डेटा बेटर आना चाहिए था तो वो कम रेट हाइक करते, रेट कट करते, लेकिन अब ये डेटा भी खराब आ रहा है तो उनको जो एग्रेसिव रेट हाइक वो कट है उसके लिए जाना पड़ेगा, मतलब उन्हें एग्रेसिव रेट कट की डिमांड करी जा रही है। तो अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, मंडे को इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। यूएस का जॉब एम्प्लॉयमेंट का डेटा आ चुका है, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स बट हायरिंग इज स्लो। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये हो गई कि लिटिल बिट डेटा में तो इंप्रूवमेंट आया है लिटिल बिट, लेकिन हायरिंग्स नहीं हो रही। अब आप नए जॉब क्रिएशन नहीं हो रहे, पैसा नहीं बन रहा लोगों का, लोगों के डिमांड क्रिएशन के साधन नहीं बन रहे, ये प्रॉब्लम है। और ये आप पूरी तरीके से गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। और इस समय इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन के कैंपेनिंग में सारा अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है कि कोई सरकार जीते और बने। तो आपको भी पता होना चाहिए कि इस तरीके का जब एटमॉस्फेयर रहता है, बिहेवियर रहता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है कि इकोनॉमी डिस्टर्ब रहती है एट दैट टाइम जब तक एक सर्टेन सरकार नहीं बन जाती, यानी कि नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाती। तो तब तक हो सकता है इस तरीके के शॉकिंग मूव्स यूएस स्टॉक मार्केट में आते रहेंगे, क्योंकि जॉब को लेकर तो बहुत पैनिक क्रिएट हो चुका है। जिस तरीके से एनवीडिया का स्टॉक फॉल हो रहा है, आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, चिप्स, एआई और इन सब की बात हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अभी तक कोई भी एक अच्छा रास्ता नहीं देखने को मिल रहा है, जिस कारण से और पैनिक बढ़ रहा है। और हायरिंग भी बहुत स्लो होने के कारण देखेगा आप क्रूड देखो, कॉमोडिटी देखो, बिल्कुल एकदम चेक कर सकते हो आप कि बिल्कुल एकदम लाइक वो अपने उस लेवल पे आ चुके हैं, कोविड से पहले के लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, जबकि मिडिल ईस्ट में कंटिन्यू टेंशन बना हुआ है, इजराइल हमास कंटिन्यू टेंशन बना हुआ है, बट स्टिल इस तरीके से देखेगा क्रूड में क्रैश होना, क्रूड इस तरीके से गिर रहे हैं, मेटल इस तरीके से गिर रहे हैं, इसका मतलब डिमांड है ही नहीं, डिमांड एक्चुअल में कम है, तब इस तरीके की क्रैश देखने को मिलते हैं कॉमोडिटीज में। तो आप देख सकते हैं यूएस इकॉनमी एडेड 142 जॉब्स लास्ट मंथ और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया है 43.4.2। आप देख सकते हो ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप कि यहाँ पे पूरी तरीके से ये आप देख सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में तो आपको बेटरमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम आया है, डेटा जो है एक्सपेक्टेशन से कम आया है। इकोनॉमिस्ट कंसीडरिंग दिस टू बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पीस ऑफ डेटा इन द ईयर्स। और अगर आप देखेंगे जो हायरिंग भी हो रही है बहुत स्लो पेस से हो रही है, और वर्स देन एक्सपेक्टेड डेटा आ रहा है, कुड हैव एक्सेलरेटेड फियर्स दैट द इकॉनमी इज हेडेड साउथ, दैट द फेड has been too slow to cut its benchmark। अब इसके कारण से हायरिंग स्लो और अनएम्प्लॉयमेंट हाई, इस कारण से फेड जो देखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ चुका है कि वो लेंडिंग रेट को इतना डिले क्यों कर दिया, उसने कट करने में इतना डिले क्यों कर दिया। तो अब डिमांड ये हो रही है कि आप बड़ा रेट कट करो, देर से कर रहे हो तो आप बड़ा रेट कट करो। तो वही प्रॉब्लम, वही पैनिक बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो इसी पर्टिकुलर मंथ में उसका डिसीजन आना है, कब आना है, 17-18। और आपको पता है फेड के लिए अब जो अगले हफ्ते के नंबर्स भी होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे डिमांड हो रही है हाफ बेसिस पॉइंट की। अगर फेड 0.15 बेसिस या 0.25 बेसिस का कट करता है तो इट मींस है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिएगा मार्केट उससे नाराज हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अच्छा रेट कट क्या कर रहा है, पूरी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इस कारण से
मंडे को स्टॉक मार्केट आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो ये देखिए क्रूड के प्राइसेस कितने ज्यादा कम हो चुके हैं, कितने ज्यादा गिरते चले जा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो चुकी है, मंडे के लिए बैड न्यूज है। फोकस करिएगा। राम राम।